प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको डिवाइड करना सिखाएंगे। उसमें हम देख रहे हैं कि हाउ टू डिवाइड थ्री डिजिट नंबर्स बाय फाइव डिजिट नंबर्स। कैसे भाग करते हैं? देखिए, जो यह रकम है आप इसके बीच में डाल दो, नंबर्स कुछ भी लिख दो, 6, 7, 8। और यह जो जिससे भाग करना है उसको यहां लिख दो, 5 अंक, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। छिपली यह 5 अंक है। अब इसको भाग करने का नियम क्या है, आप एक रफ वर्क बनाइए। ये रफ वर्क है। अब इसमें देखिए, 12,345 जो है वो बड़ी रकम है, 678 छोटी रकम है, तो यह इस पे के ऊपर नहीं जाएगा। जब नहीं जाता तो हम एक पॉइंट लगा देते हैं, ये एक पॉइंट लगा दिया हमने, और यहां 0 लगा के एक पॉइंट लगा दिया। अब पहला अंक उठाना है, देखते हैं। अब ये बन गया 6,780। क्या 12,345 जाता है इसके ऊपर? 6,780 छोटी रकम है, और 12,345 अगर एक पे भेजें तो इस से बड़ी रकम है, क्योंकि ये 4 डिजिट है और ये 5 डिजिट है। तो हम इसके ऊपर एक और 0 लगाएंगे। पहली ये वाले जो 0 लगाई है ना, तो ये भी यहां लगा दो, ठीक है। और अब दूसरी 0 लगा रही है, तो ये 0 भी यहां आएगी। तो ये सिद्धांत है, जब पहली बार नहीं जाता तो पॉइंट आएगा, तो 0 से पहले एक पॉइंट डाल दिया, फिर नहीं जाता, ये 5 है अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या, एक 0 लगा दी। अब फिर भी नहीं जाता, ये 5 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है, अभी नहीं भेजते, इसको 0 नहीं लगाना, क्योंकि एक 0 अपने आप ही आ जाती है, ठीक। अब देखते हैं, 6, 7, 8, 100, 67,800 है, और हमारे पास 12,345 है। अब देखते हैं, 12,345 है को एक के ऊपर करके देखते हैं, 12,345 है। अभी बहुत बड़ी रकम है, 67,800 है, तो मैं इसको करके देखता हूँ, 6 पे देखता हूँ, करके 5 पे करके देखता हूँ, 5 into 5 25, 2, 5 into 4 20, 22, 2, 3 into 5 15, 15 into 2 17, 1, 5 into 2 10, 11 power 1 and 5 is 6, 61,725। एक इसके ऊपर जा सकता है, पर मैं एक बार 6 के ऊपर करके देखता हूँ, एक बार इसको 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 into 5 30, 6 into 4 24, 24 into 3 27, power 2, 6 into 3 18, 18 plus 2 20, 20 की पावर 2, 60 into 3 18, 18 into 20, 20 का पावर 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, और ये आ गया आपका 1, 6 and 1 7, ठीक है। ये ज्यादा हो गई है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये 5 के ऊपर जाएगा, 6, 1, 7, 2, 5। अब इसको घटाना है, इस रकम से ये वाली रकम छोटी है घट जाएगी। अब देखो, 10 में से 5 पे 5 आ गया, ठीक है। इसमें से प्यारे बच्चों देखो, ये वाली रकम यहां जाएगी, ये 10 हो जाएगा, इसने इससे शक्ति ले ली है, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब 10 ने इससे शक्ति ले ली है, ये इसके पास 10 है, 10 में से 5 पे 5 है, यहाँ 9 रह गया,
इसने इसको शक्ति दे दी। अब इसके पास कितने रह गए, बोलो नौ। तो नौ में से दो गए, ये सात आ गया। अब देखो सात में से सात गए, ये जीरो आ गया। अब सात में से एक गया, ये छह आ गया। और यहां हमारे पास 6075 आ गया। ऊपर से एक जीरो और मैं लेके जाता हूं। अब क्योंकि पांच पे इसको भेजा था, यह रकम ज्यादा है, इसलिए चार के ऊपर करके देखते हैं। ठीक है, किसके ऊपर भेज रहे हैं, फोर के ऊपर, चला जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। फोर इंटू फाइव 20 होते हैं, टू हासिल ले लिया। फोर इंटू फोर 16, 16 प्लस टू ये आ गया 18, पावर इसका 1 ले लिया। चार को तीन के साथ गुना किया, चार की 12 और एक 13, असल एक चार में 8 है, एक 9, चार 49380 ये मैंने लिख दिया। क्योंकि इससे अगर मैं ज्यादा के ऊपर, अगर मैं पांच के ऊपर करूंगा ना, तो इस रकम से ज्यादा हो जाएगा, तो ये जाता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जाएगा नहीं, इसलिए ये किसके ऊपर जाएगा, ये चार के ऊपर ऊपर ही जाएगा। तो यहां से इसका ये रकम छोटी है, 5, 8 ज्यादा है, तो इसने इससे हासिल ले लिया 15। 15 में से 8 गए, 7 होती हैं। कितने होते हैं, 7 होती हैं। 15 में से 8 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 7 सात आएंगे, 5 या 7। ठीक है, और 6 में से 3 घटाते हैं तो ये 3 आ गया। अब इसके पास 0 है, इसने इससे पावर ले ली। 10 में से 9 गए, 1। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों 11370 हमारे पास रकम है, और यहाँ 12345 है, तो ये यह रकम एक के ऊपर भी नहीं जाएगी, तो एक और जीरो लेंगे। यहाँ एक और जीरो ले लेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे बताइए, 113700। अगर इसको इसमें से 10 में अगर भेजूं, 1, 2, 3, 4, 5 इसको 10 में भेजूं तो 123450 जाता है, इसलिए ये 10 के ऊपर नहीं जाएगा, 9 के ऊपर करके देखता हूं इसको। 9 × 45 हासिल 4, 9 × 4 = 36, 36 और 4 आगे 36 और 4 होते हैं 40, 40 का 4 आ गया। 9 को 3 के साथ गुना किया, 9 × 3 = 27, 27 को + 4, 27 + 4 हुए 31, हासिल 3, 9 × 2 = 18, 18 + 3 = 18, 19 + 20 = 21, हासिल 2 आ गया। 9 × 2 = 18, 18 और एक बार यहां मैंने मिस्टेक कर दी, एक बार फिर मैं कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, 9 × 5 = 45, 45 का पावर 1, 4, 9 × 36 = 36, 36 और 4 = 40, 4 हासिल 1, 9 × 3 = 27, 27 और 4 = 31, 31 का 3, 9 × 2 = 18, 18 और 3, 18 × 2 = 20 और 21 हासिल 2 आ गया। 9 × 2 = 11 होते हैं तो 11 डाल दिए। अब 111105 आराम से जाएगा, 111105 10 में से 5 गए, 5 इसने इसको हासिल दिया, इसने इसको हासिल दिया, यहाँ 9 का 9 रह गया, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 10 आ गए तो यहाँ 9 रह गया, ये 10 में से 5 के 5, यहाँ 6 में से 1 गया 5, और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, ये बैलेंस है हमारा, हमारे पास, ठीक, तो ये हमारे पास भागफल है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये इस पॉइंट पे जाता है, इतना भागफल रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।